गाइस इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्लाई मी टू द मून का एपिसोड नंबर 2। तो अगर एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा है इसका तो जाके पहले वो देख कर आओ, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसके बाद इस एपिसोड को देखना। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकिंग बिगिन। एपिसोड की स्टार्ट में नासा अपने बेड पे लेटा होता है और बोल रहा होता है, मेरी शादी हो गई है, इसका मतलब अब हम दोनों एक ही साथ रहेंगे सेम अपार्टमेंट में। और ये सब सोच के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब नासा घर में सोच रहा होता है कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही बेड है, हम दोनों इसमें सोएंगे कैसे। और अपना जीनियस दिमाग चलाने लगता है और बोलता है, एवरेज मेल का शोल्डर अराउंड 45 सेंटीमीटर होता है, एवरेज फीमेल का 40 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट कर रहा होता है कि उनके बीच में कितने सेंटीमीटर की स्पेस बचेगी इस हिसाब से अगर वो एक साथ सोएंगे। इतना इंटेलिजेंट होने की वजह से ये जो बंदा ही अपना दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलाता है हर चीज़ में। और फिर बोलता है कि क्या मुझे एक न्यू बेड मंगवा लेना चाहिए, नहीं वो यहाँ इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा, नहीं मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए। और फिर बेड पे लेट के बोलता है, अगर मैं उसे ऐसे पकड़ के सो जाऊँ तो 5 सेंटीमीटर की स्पेस बच जाएगी, और या फिर मैं उसे ऐसे भी पकड़ के सो सकता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तभी सुकासा बोलती है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इसके लिए कंफर्टेबल हूँ, अभी सॉरी दरवाज़ा खोला था तो मैं आ गई। और सुकासा को वहाँ देख के जो नासा है वो एकदम से पैनिक हो जाता है और चिल्लाने लगता है। और फिर बोलता है, तुम क्या करने गई थी। सुकासा बोलती है, मैं अपना सूटकेस लेने गई थी। नासा मन में बोलता है, इसमें इसके सभी सामान होंगे, क्या इसका मतलब है कि इसके पास कोई घर नहीं, इसका मतलब ये यहीं पर रहेगी आज रात, मुझे कन्फर्म करना पड़ेगा। और अब नासा कॉफ़ी बनाते वक्त बोलता है, क्या तुम्हारे घर में कोई परेशान नहीं होगा तुम्हारे घर पे ना होने की वजह से। सुकासा बोलती है, नहीं मेरे पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। नासा कांपते हुए बोलता है, तो क्या तुम यहाँ रहने वाली हो। सुकासा बोलती है, हाँ हमने शादी जो कर ली है, बाय द वे तुम्हारी कॉफ़ी गिर रही है। और नासा हड़बड़ा जाता है। सुकासा बोलती है, तुम्हारे पास एक ही बेड है तो मैं होटल में रात गुजार लूँगी। जिसे सुन के जो नासा है वो थोड़ा सैड हो जाता है। सुकासा बोलती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। नासा तभी बोलता है, इतना डैमेज। और फिर मन में बोलता है, मैंने इससे शादी कर ली मगर इसने मेरे से क्यों करी, इसने मेरी जान बचाई मगर बदले में मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने के। और फिर सुकासा से बोलता है, हे तुमने मुझसे शादी क्यों करी। सुकासा बोलती है, क्योंकि मैं तुम्हें लव करती हूँ डार्लिंग। नासा बोलता है, मगर हम हार्डली एक दूसरे को जानते हैं। सुकासा बोलती है, मैं भी करती हूँ तुम्हें, तुम काफ़ी ज़्यादा सिली हो। नासा बोलता है, तो तुम मुझसे कब प्यार करने लगी। सुकासा बोलती है, मैं नहीं बताने वाली है। और वहाँ से निकल जाती है, मगर नासा है फिर उसका पीछा करता है और बोलता है, हे तुम्हें रुकना चाहिए। सुकासा बोलती है, और बेड का क्या। नासा बोलता है, मैं वो खरीद लूँगा। और मन में बोलता है, मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है कि अगर मैंने इसे जाने दिया तो मैं इसे कभी नहीं देख पाऊँगा। और अब नेक्स्ट सीन में ये सुकासा के लिए मैट्रेस लेने आए होते हैं, और वहाँ पे नासा बोलता है, जो मन करे वो ले लो, ये मेरी तरफ से। सुकासा बोलती है, तो क्या ये मेरा पहला गिफ्ट है मेरे हस्बैंड की तरफ से। नासा बोलते हैं, हाँ कुछ ऐसे ही समझ लो। तभी सुकासा उससे दो मैट्रेस के बीच में फ़र्क पूछती है। नासा बोलता है, फैदर्स बड़े वाले होते हैं लेकिन डाउन का मतलब है 50% फाइनर सॉफ्टर एंड नेटल फैदर्स का, फैदर्स लेस हीट अब्जॉर्व करता है डाउन से। सुकासा बोलती है, और ये क्या है। नासा बोलता है, वो है मेमोरी फोम लो रेजिस्टेंस पॉलीयूरेथेन। सुकासा बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है ये सब सुन के और बोलती है, मेरा हस्बैंड तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। और नासा अपना ज्ञान पेल के बिल्कुल चौड़ में आ जाता है। और फिर मन में घबराते हुए बोल रहा होता है, वेट क्या हम डेट पे आए हैं, तो इसका मतलब क्या मैं इसका हाथ पकड़ सकता हूँ, क्या ये सही रहेगा। और उसका हाथ पकड़ लेता है, और सुकासा फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। अब ये वापस घर आ जाते हैं मैट्रेस लेके, और सुकासा अपने न्यू मैट्रेस को ट्राई करती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। नासा मन में बोलता है, एक लड़की यहाँ लेटी हुई है, ये तो सुपर हेवन है। तभी सुकासा बोलती है, तुम भी क्यों नहीं लेट जाते डार्लिंग। और तभी नासा जो है ये सब सुन के थोड़ा शॉक्ड हो जाता है दोबारा से। सुकासा बोलते है, क्या हुआ। नासा बोलता है, कुछ नहीं। और बोलता है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक था, मैं तो इसके लिए रेडी भी नहीं था। फिर सुकासा उससे पूछती है, क्या यहाँ पे बाथटब है। नासा बोलता है, नहीं मैं लोकल बाथ हाउस जाता हूँ सुबह नहाने। सुकासा बोलती है, तुम्हारे पास कुछ सामान भी नहीं जिनकी मुझे ज़रूरत है, जैसे कि हेयर ब्रश हेयर क्लिप्स वगैरह वगैरह। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। नासा बोलता है, कोई नहीं मैं दुकान से ले आता हूँ। सुकासा बोलती है, अंडरवियर भी। नासा बोलता है, वो शायद नहीं। सुकासा बोलता है, ठीक है फिर बाहर चलते हैं और लेकर आते हैं। और उसका हाथ पकड़ लेती है, और नासा के अंदर की फीलिंग्स उसके मुंह से टपकने लगती है दोबारा।
बॉय। अब ये वापस घर पे आ जाते हैं और सुकासा कपड़े चेंज कर रही होती है। नासा बोलता है उस डोर के पीछे एक लड़की कपड़े बदल रही है, मैरिज कितनी बढ़िया होती है। अब सुकासा बाहर आ जाती है और बोलती है पिजामा दिलाने के लिए थैंक्स। उसे देख के नासा फिर से शॉक्ड हो जाता है और मन में बोलता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, मेरे तो दिल की धड़कन ही रुक गई थी। नासा बोलता है मैं भी बदल लेता हूँ। सुकासा बोलती है यहीं बदल लो तुम। नासा बोलता है ये बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग होगा। और अंदर जाके फिर मन में बोलता है क्या उसको मुझ में इंटरेस्ट है रोमांटिकली। और अब चेंज करके बाहर आता है और सुकासा को देख के बोलता है तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं। सुकासा बोलती है खुले बाल रख के सोने में मुश्किल होता है और डैमेज भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने बांध लिए। नासा मन में बोलता है ये तो ऐसे बालों में और भी ज़्यादा क्यूट लग रही है। अब ये लाइट्स ऑफ कर देते हैं और नासा जो है वो सुकासा को ही देख रहा होता है। सुकासा उसे थैंक्स बोलती है। नासा बोलता है कोई बात नहीं, हमने अपना प्रॉमिस पूरा करा। सुकासा बोलती है तो फिर गुड नाइट डार्लिंग। अब सुकासा सो रखी होती है और नासा अभी भी उठा होता है और बोलता है उसकी ब्रीथिंग डीप है मतलब वो सो गई। और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। तभी सुकासा इधर उधर पलटने लगती है और नींद में उसके बाल भी खुल जाते हैं और उसका ब्लैंकेट भी साइड हो जाता है। तो नासा उसे ठीक करने के लिए खड़ा होता है और फिर मन में बोलता है एक गुड नाइट किस कैसी रहेगी और उसे किस करने जा रहा होता है। मगर फिर बोलता है अगर हम ये फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं तो फिर ये बेटर रहेगा कि ये तब हो जब ये उठी हुई हो। और फिर वापस अपने बेड में चले जाता है। तभी सुकासा खड़ी हो जाती है। नासा बोलता है ये नींद में भी चलती है। सुकासा खड़ी होकर फिर पानी पीती है और फिर नासा के पीछे आके खड़ी हो जाती है। नासा घबरा जाता है और बोलता है कहीं ये मुझे हक तो नहीं करने वाली या फिर किस। और घबराया हुआ होता है बहुत ज़्यादा और घबराया हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा। मगर जो सुकासा है उसका ब्लैंकेट लेती है और सो जाती है। अब सुबह हो जाती है। सुकासा कन्फ्यूज्ड होती है कि उसके बाल कैसे खुल गए और ये दूसरा ब्लैंकेट कैसे आ गया उसके पास। और फिर तभी अपने कपड़े बदलने लगती है। नासा बोलता है रुक जाओ मिस यूजा की, मैं यहीं पर हूँ। और फिर नासा वहाँ से चले जाता है। तभी सुकासा जो है वहाँ आती है और बोलती है क्या तुमने अभी मुझे मिसेज युजाकी बोला। नासा बोलता है हाँ। सुकासा बोलती है तो फिर मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए वो भी सोचना पड़ेगा। और इतना सोचने के बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी माई नासा। नासा बोलता है ठीक है तो फिर मैं तुम्हें बुलाऊंगा सुकासा बेबी। ये सुनकर जो सुकासा है बोलती है वेट मैं अभी इसके लिए रेडी नहीं हूँ। नासा बोलता है सॉरी मुझे लगा ये क्यूट लगेगा। सुकासा बोलते हैं ठीक है फिर डार्लिंग अगर तुम यही चाहते हो तो। नासा बोलता है वेट तुम मुझे मेरे नाम से क्यों नहीं बुला रही। सुकासा बोलती है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। नासा बोलता है ठीक है तो फिर हम धीरे धीरे करेंगे सब सुकासा बेबी। Then we'll take it slowly, Sukasa baby. ये सुनकर जो सुकासा है वो शर्माने लगती है और जोर से चिल्लाती है उस पे। What were we just talking about? नासा बोलता है तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। और फिर नासा मन में बोलता है और ऐसे हमारी नई लाइफ की शुरुआत हुई। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस इस एपिसोड में इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कैसी थी और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा बाय।